मेरी खास दोस्त है वो जीती तो मुझे खुशी हुई। उसका जीतना मेरे लिए एक फीलिंग था, प्राउड मोमेंट था, और मेरे से ज़्यादा ट्रॉफी की उसको ज़रूरत थी। और मुझे लगता है मैंने लोगों का दिल जीता है, उसने ट्रॉफी जीती है, तो मैं प्राउड हूँ और हैप्पी हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मैंने जैसा खेला, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं यहाँ तक पहुँचा, वो मेरे लिए बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे ट्रॉफी नहीं मिली तो इसका कोई गम मत मनाओ, ऐसा सोचो कि मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा वो बड़ी बात है। और इतने टफ कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ा मैंने, रणबीर भाई तक टॉप 3 में थे, मैं टॉप 2 में था, तो ऐसा सोचो कि मैंने कुछ हासिल किया है। ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैंने रिस्पेक्ट हासिल की, मैंने लोगों का प्यार मिला, मुझे लोगों का दिल जीता है मैंने, तो वो एक बड़ी बात है। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब सैड मत हो जाओ कि मैं जीता नहीं, बल्कि ऐसा सोचो कि मैंने जो हासिल किया है वही मेरे लिए बहुत है। 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा था, सब गुडी गुडी लग रहा था। स्लोली स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे। कई हद तक ऐसा लगा कि यार मैं, क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना, वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे, यू नो, एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, लाइक यू नो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे। दिल ये जिद्दी है। मैं फैंस के लिए ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। आपके प्यार ने मुझे ये जिताया, आपने मुझे जिद्दी सना से, ये जिद्दी सना जो विनर बनी है वो बनाया है। सो थैंक यू सो मच दिल से। बिग बॉस के घर में ना इट्स 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 मिक्स्ड इमोशंस। फर्स्ट के 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा था, सब गुडी गुडी लग रहा था। स्लोली स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे। जो आपके साथ बैठते थे वो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो आपकी और बुराई कर रहे थे। तो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया कि घर में ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप हो गया जिसमें हम 4 जन थे और बाकी सब एक तरफ। फिर वो एक मोमेंट आया जहाँ पे स्लोली स्लोली मेरे दोस्त कटने लग गए, तो कई हद तक ऐसा लगा कि यार मैं, क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना, वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे, यू नो, एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, लाइक यू नो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे। बट जैसे जैसे वो निकलते गए, वैसे वैसे बुरा लगता गया, घर और आपके अगेंस्ट हो गया। बट आई थिंक दैट विल पावर जो आपकी होती है ना, कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और हाँ मुझे जीतना था और मैं जीत गई हूँ। दिल ये जिद्दी है। मेरी अच्छी बॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ तो नेजी, विशाल, लवकेश, शिवानी, मेरा मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं बाहरी दुनिया में भी ऐसी हूँ, मैं घर में भी ऐसी थी। जो मुझे समझ पाए उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जो मुझे नहीं समझ आए वो कभी मेरे पास भी नहीं आए। सो आई थिंक इतना ही बोलूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि गाइस थैंक यू, आप सबने मुझे प्यार, इतना प्यार दिया, मेरे पे विश्वास किया, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल, एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये ट्रॉफी मैंने नहीं, आप सबने जीती है, सो थैंक यू। ANI के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। सर क्या कहना चाहेंगे, बॉस फिनाले का सना मकबूल फिनाले हो चुकी है जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा जिस पे बिग बॉस की दया दृष्टि, जिसको वोट ज्यादा मिली वो जीत गई, और That is how life is. सर, as in हमेशा फिल्मों से नाता रहा आपका, तो पहली बार आप इस तरीके के शो में आए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ के जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो सजेस्टेंट हैं बिग बॉस के लिए? नहीं, इसके पहले भी मैंने रियलिटी शोज किए हैं, खतरों के खिलाड़ी किया है, पैसा भारी पड़ेगा किया है, झलक दिखला जा मैंने को होस्ट किया था, तो बीच बीच में मैं करता रहा हूँ रियलिटी शोज, बट ऐसा रियलिटी शो पहली बार किया है। बहुत इंटेंस है, मुश्किल है बहुत, 42 डेज परिवार के साथ टच में नहीं रहना,
15 अजनबियों के साथ एक घर में बंद रहना बाहरी दुनिया से, और उसके बाद जो मुश्किलें जो बिग बॉस हाउस में आती हैं, चाहे खाने पीने को लेकर हो, चाहे नींद को लेकर हो, सो काफ़ी मैं कहूँगा ट्राइंग और मुश्किल एक्सपीरियंस है, बट इसमें से कुछ सीख लेकर निकला हूँ मैं, कुछ बदलाव लेकर निकला हूँ, कुछ यादें लेकर निकला हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी अच्छी रही अरमान मलिक के साथ और दीपक चौरसिया जी के साथ, कृतिका के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी, ज़्यादातर लोगों से मेरी बनी, बट कुछ 3-4 लोग थे जिनसे नहीं बनी, वो थे सना मकबूल जो अब शो जीती हैं, लवकेश, विशाल के साथ भी थोड़े झगड़े हुए, शिवानी के साथ भी थोड़े झगड़े हुए। हाँ कुछ टाइम के लिए जब वो सुधरने की कोशिश कर रही थी तब थोड़ी देर बॉन्डिंग रही, बट कहते ना लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो उनकी भी कुछ आदतें हैं जो जो नहीं मुझे सूट करी। मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने टॉप 3 तक पहुँचाया, मेरी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उसके बावजूद अगर मुझे इस शो में टॉप 3 तक मैं पहुँचा हूँ तो उसका सारा श्रेय ऑडियंस को ही जाता है, सो टॉप 3 तक मुझे शो में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यही है कि ये मेरा कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी शो जीतना, मेरी जो कोर एम्बिशंस हैं वो दुनिया जानती है, वो फिल्म मेकिंग में है, एक्टिंग में है, और अब 42 डेज़ के बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे मेरे लिए चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल, अब जियो सिनेमा पर ही आने वाला है एक शो शिखर होम, मैं उसमें भी हूँ, इसमें लीड कर रहे हैं के मेनन, फैबुलस एक्टर, हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो वो पहले रिलीज होगा, उसके बाद देखते हैं। मैं यही कहूँगा जिस पे बिग बॉस की दया दृष्टि, जिसको वोट ज़्यादा मिली वो जीत गई, और दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। सर तो पहली बार आप इस तरीके के शो में आए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ के जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो सजेस्टेंट हैं? नहीं, इसके पहले भी मैंने रियलिटी शोज किए हैं, खतरों के खिलाड़ी किया है, पैसा भारी पड़ेगा किया है, झलक दिखला जा मैंने को होस्ट किया था, तो बीच बीच में मैं करता रहा हूँ रियलिटी शोज, बट ऐसा रियलिटी शो पहली बार किया है, बहुत इंटेंस है, मुश्किल है बहुत, 42 डेज परिवार के साथ टच में नहीं रहना, 15 अजनबियों के साथ एक घर में बंद रहना बाहरी दुनिया से, और उसके बाद जो मुश्किलें जो बिग बॉस हाउस में आती हैं, चाहे खाने पीने को लेकर हो, चाहे नींद को लेकर हो, सो काफ़ी मैं कहूँगा ट्राइंग और मुश्किल एक्सपीरियंस है, बट इसमें से कुछ सीख लेकर निकला हूँ मैं, कुछ बदलाव लेकर निकला हूँ, कुछ यादें लेकर निकला हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी।